क्या परेशानी है आपको इस स्कूल में? उसमें दो शौचालय हैं, जिसमें एक है पूरा ख़राब हो गया है और एक है उसमें लड़की सब जाती है और सर मैम जाते हैं, और उसमें सांप निकलने की वजह से वो बंद हो गया है। कुल कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं? नामांकित हमारा यहाँ 1 से 10 तक क्लास है जी, इसमें नामांकित 581। कहाँ जाते हैं आप लोग? घर पे आते हैं या पोखरी पर जाते हैं? पोखरी पर जाते हैं, तो क्या पता हमको सके डूब जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर जब लड़का जाता है और इसके बीच का जो पढ़ाई होती है वह क्या दोबारा पढ़ाया जाता है? तो छूट जाता है पढ़ाई का, तो छूट जाता है, आगे वह घंटी लग जाती है, फिर दूसरे क्लास टीचर जाते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप कितने बार प्रस्ताव दे चुके हैं शौचालय के लिए? जब जब मांगा गया है उस समय दिए, हमसे जब जब पूछा गया है कि आपका ऐसे डाइस फॉर्म में पूछा गया है या कोई फॉर्मेट आया उसमें भी पूछा गया, तो हम लोग को बराबर लिख के दिए हैं कि हाँ शौचालय यहाँ लड़कों के शौचालय में। क्या होना चाहिए आपके विचार से? शौचालय तो बच्चों का होना ही चाहिए, बच्चे का शौचालय होंगे तब ना बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, जाने पर कोई घटना ही दुर्घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार तो हम लोग पर आए, उसका जिम्मेदार विभाग नहीं लेगा, उस समय हम लोग से खोजा जाएगा कि ये घटना कैसे हो। आप वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा निवेदन है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सकरा रेणु पांडे को मोबाइल नंबर 8544416160 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं हूं सुनील कुमार, हरिपुर कृष्ण, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।